वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी यूपी में सुपर टेस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ जो सीटेट वर्सेस टेट चल रहा है उस पर भी कल क्या आदेश हुआ है और क्या नहीं हुआ है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है अगर यूपी में नई वैकेंसी आती है, तो सभी से रिलेटेड जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि यूपी में या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलेगी मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कोर्ट ने आदेश दिया था 27,713 वैकेंसी को लेकर के कि 2 महीने के अंदर उसको फिल करना है, तो आप लोग को सबसे बड़ी बात ये जो मुझे आपको बतानी थी कि ये चला गया है अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में। तो कब तक क्या फैसला आएगा, कितना टाइम मिलेगा, सीटेट दिसंबर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सभी को पता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा। 2 महीने का टाइम आपको दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन इन्होंने कहा था कि अगर आप 2 महीने के अंदर नहीं कर सकते तो 2 बार कम से कम न्यूज़पेपर में अपना रीज़न देके उसको छपवा दो कि हाँ ये दिक्कत आ रही है कानूनी मतलब मामले की वजह से या किसी भी मामले की वजह से। सो इस कारण ना जो कुछ भी चीज़ें हैं आप लोग अभी इतना पॉजिटिव हो सकते हैं कि हाँ सीटर दिसंबर वालों को इस वैकेंसी में मौका मिलेगा। बात करते हैं 27,000 वैकेंसी बहुत ही कम है, बहुत 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 ज़्यादा कम है वैकेंसी, और इसमें यहाँ पे एक एक नंबर पे इतने इतने स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें 27,000 मतलब स्टूडेंट्स की सीटें हैं जिनमें वैकेंसी देंगे, और उस 27,000 सीट पे कितने स्टूडेंट आएंगे ये तो कहा ही नहीं जा सकता। सिर्फ टॉपर होंगे और या फिर जो शिक्षा मित्रों को जो 25 नंबर का वेटेज मिला है, आपसे जो 1 नंबर पे इतने स्टूडेंट होते हैं, तो बात करते हैं यहाँ पे 25 नंबर की, इसमें क्या सारे पुराने वाले स्टूडेंट आएंगे, हम लोग नए स्टूडेंट कहीं नहीं जाएंगे, वो कहाँ शामिल रहेंगे, प्लस एकेडमिक जोड़ी जाएगी हर एक चीज़ को देखते हुए। तो हमारी यही मांग है कि 51,000 ही इसमें ऐड कर दें, कम से कम 70,000 या 75,000 तक की वैकेंसी अगर इसकी आ रही है तब तो भाई नए स्टूडेंट का चांस है, वरना नए स्टूडेंट का चांस कहीं से नहीं बन रहा है। आप कितना भी देख लो सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा, जहाँ तक कि पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि देखो पुलिस की वैकेंसी धड़ाधड़ निकाल रहे हैं, यहाँ पे अभी वैकेंसी आई और इसको कहा गया है कि 4 महीने के अंदर जो पुलिस का अभी पेपर हुआ है उसको अच्छे से फिल करा लेंगे, भर्ती पूरी हो जाएगी बिना किसी घोटाले के। तो ऐसा हो जाएगा क्योंकि योगी जी ने कहा है अगर वो चाहें तो सुपर टेट भी अपना वैकेंसी निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छे से, बट वो चाहें तब, मेन बात यहीं पर अटक जाती है, वो क्या ही करा जा सकता है, जब वो चाहेंगे तब ये वैकेंसी जरूर निकलेगी। 27,000 में अगर ये 51,000 ऐड हो जाता है तभी हम लोग की चांस है, वरना हम लोग का चांस कहीं नहीं बन रहा है। मेन चीज़ है देखो 25 नंबर का वेटेज के अलावा भी आप हटा दो अगर, तो एकेडमिक जिसकी अच्छी होगी एकेडमिक से हटा दो अगर, तो देखो यूपी टेट का ये 1/4 ले रहे या नहीं ले रहे अभी इस पर भी कन्फर्म नहीं है, 1/4 अगर यूपी टेट का इसमें ऐड करेंगे तो दिक्कत कहाँ पर आएगी, जो एकेडमिक हट जाएगी, जो बच्चों के एकेडमिक अच्छे हैं उन्हें दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ से दिक्कत हो रही है, स्टूडेंट को ही झेलना पड़ रहा है। इससे अच्छा जब सीट ज़्यादा होगी, 70,000 75,000 सीट होगी, हमें 91,000 की डिमांड नहीं चाहिए, चलो 70,000 ही हो जाए, जितनी इन्होंने बताई थी कि 51,000 सीट खाली है उसी अकॉर्डिंग अगर इतनी भी सीट मिल जाएगी तो उसमें सारे बच्चे आ जाएंगे, जो थोड़े से भी योग्य होंगे उनको वैकेंसी में जॉब लग जाएगी। तो अब इस पे देखिए 5 तारीख कल है और कल क्या होता है, डिसीजन क्या आता है वो हमें कल पता चलेगा, इसके पहले कुछ नहीं आप कह सकते। नई अध्यक्ष हमारी मिल ही चुकी है हम लोगों को, डॉक्टर कीर्ति पांडे जी, जिनका बयान भी आया है और उन्होंने कहा है कि अभी देखिए कब तक होना है पेपर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, पेपर अभी नहीं होगा, अब आप सीटेट की अच्छे से प्रिपरेशन करो। और मेरा मानना है कि इसके अलावा आप, मैंने यहाँ पे लिख रखा है साइड में यूपी पैट, यूपी में पैट होने वाला है 6 महीने पे होता है, अभी की जो पैट होगा वो अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम देखने को मिल जाएगा, तो अभी उसके लिए आपके पास टाइम है सितंबर और अक्टूबर का। तो आप लोग सुपर टेट के सहारे सिर्फ मत रहिए, सुपर टेट की ये 27,000 की वैकेंसी अटक भी सकती है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को और भी वैकेंसीज की तैयारी करिए, बीपीएससी 4.0 की तैयारी जरूर करिए, क्योंकि वो वैकेंसी आप लोग को अक्टूबर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी चल रहा है सितंबर, सितंबर लास्ट तक आपको सीटेट के बारे में पता लग जाएगा कि वो वैकेंसी आपकी निकलने वाली है कब की, दिसंबर में, दिसंबर स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अपना मेन फोकस सीटेट पे रखिए। सीटेट वर्सेस टेट की बात कर लेते हैं, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे खुद नहीं समझ में आता कि ये मुद्दा क्यों बना है भाई, एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीटेट भी और यूपी टेट भी, और इसमें क्या किसी का फ़ायदा, ये मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है। बट ये कि अगर बहुत सारे जगहों पे इन्होंने करा है सीटेट को आमान है, सीटेट करने के बाद भी वो वहाँ पे
मतलब कोई भी वैकेंसी आती है अगर, तो सीटेट अगर ये पास है तो वहां पे नहीं कर सकते हैं एग्जाम के अप्लाई। ये सबसे बड़ी चीज होती है, जैसे कि राजस्थान हरियाणा ये मैं आप लोग को बार बार बता चुकी हूँ, बट यूपी की अगर बात करें तो यूपी में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि सीटेट अगर आपका क्वालिफाई तो आपकी जो वैकेंसी आती है केवीएस किन, पिछली बार यही हुआ था, बहुत सारे बच्चे यूपी टेट क्वालिफाई कर लिए थे बट सीटेट उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। तो अगर सीटेट की वैकेंसी सॉरी केवीएस की वैकेंसी आती है तो उसमें आपका यूपी टेट एच टेट जे टेट बी टेट कुछ भी नहीं लगेगा, सीधा सीधा आपका सीटेट लगेगा। सीटेट केंद्रीय विद्यालय के लिए होता है और सीटेट हर जगह लगभग वैलिड है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर रहे हो तो अदर स्टेट में जॉब पा सकते हो। सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए। और आप लोगों के एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि यूपी टेट में अगर आपके 82 नंबर है तो आप क्या क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं, 82 नंबर पे क्वालिफाई कर रहे हो, बट अगर आप ओबीसी एससी एसटी हो तो, अगर आप जनरल हो तो 90 मार्क्स आपको यहाँ पे भी चाहिए होगा, यूपी में भी चाहिए होगा, ठीक है। और अभी ये कमेंट आया है आप लोग देख सकते हो, इन्होंने पूछा कि यूपी में कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं टेट वाले या सीटेट वाले नहीं कर सकते। तो देखो अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई हो सीटेट क्वालिफाई हो तो आप फॉर्म तो फिल ही कर सकते हो, सीटेट क्वालिफाई हो यूपी टेट क्वालिफाई अगर आपका नहीं है तो भी आप अभी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी ये यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहे सीटेट क्वालिफाई हो चाहे यूपी टेट क्वालिफाई हो, जो नई वैकेंसी 27,000 आ रही है उसमें आप एलिजिबल हो। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस मेरा ये मानना है कि आप अलग वैकेंसीज की तैयारी भी करो साथ में सुपर टेट के अलावा, क्योंकि सुपर टेट का टाइम अभी बहुत खिंच सकता है। देखो 68,000 वैकेंसी या फिर बात करते हैं 69,000 वैकेंसी, तो 68,500 वाली में या फिर 69,000 वाली में दोनों में बहुत टाइम लगा है। और कब की ये वैकेंसी तब जाके अब फैसला आया है, 69,000 वाले में अब ये फैसला आया है कि 3 महीने के अंदर इनको नई लिस्ट जारी करनी। उसमें जो बच्चे पहले से जॉब कर रहे हैं और जो बच्चे नहीं कर रहे उनको तो चलो भाई उनका हक है, उनको मिलना चाहिए, बट जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको भी तो दिक्कत है ना, उनकी गलती से थोड़ी उन्हें जॉब ऐसे थोड़ी ना मिल गई थी। बट उनका ये मानना है कि अगर मैं पिछली बार 69,000 में भर्ती नहीं लेता तो मैं योग्य था, मैं किसी अदर स्टेट या कहीं अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता तो मैं उसमें सिलेक्शन होता। 4 साल जॉब करने के बाद कोई भी आपसे जॉब छोड़ने को कहेगा तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। इस चीज़ पे देखो योगी जी का बयान था कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई सी भी नाइंसाफी नहीं होगी, तो इसीलिए अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इन सारे प्रोसेस में। तो आपको क्या लगता है कि सुपर टेट 2 महीने बाद आ जाएगी वैकेंसी? थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैकेंसी जरूर आएगी, नो डाउट वैकेंसी तो अब आना ही आना है। 27,000 आएगी या फिर अच्छे होगा तो ऐड कर देंगे, नहीं करेंगे तो आप इतना दिमाग में बिठा के रखिए कि 27,713 वैकेंसी ये फिक्स है आपकी आनी। और ये इस हफ्ते पेपर में देखा था मैंने कि विज्ञापन आ जाएगा, तो अभी ऐसा नहीं है, इस हफ्ते विज्ञापन इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा, बट आने के चांसेस नहीं लग रहे मुझे फिलहाल। बाकी देखिए अध्यक्ष तो बहुत ही स्पीड में बन चुके हैं, अब कैसे क्या करना है, बस अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आप लोगों का मैथ्स होगा, मेरा बीएससी मैथ्स से था, तो अगर ये सब्जेक्ट बेस करेंगे तो फिर देखिए क्या करते हैं। मैथ साइंस होगा, अगर इन्होंने पुराने पैटर्न पे रखे तब तो हमारे सारे सब्जेक्ट आने हैं, 14 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है 14 सब्जेक्ट, है ना। बट ठीक है थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि उसमें ये फ़ायदा रहता है किसी की संस्कृत अच्छी, किसी का हिंदी अच्छा, किसी का इंग्लिश अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा करके ना वो चीज़ मैनेज हो जाती है। अब बात करते हैं जो बच्चे मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी करना मैंने बंद कर दिया है और सुपर टेट के स्टार्ट कर दिए, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और सबसे बड़ी गलती है आपकी कि आपने बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी क्यों बंद कर दी। उसका तो एग्ज़ाम होगा, आप लोगों को पता है अक्टूबर में नोटिफिकेशन भी आएगा। तैयारी 1 जितनी स्पीड में हुआ 2 उतनी स्पीड में हुआ, तैयारी 3 में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है तैयारी 3 में, बट 26 तारीख सितंबर आज स्टार्ट हो ही गया, 4 तारीख है, 26 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, देखिए कितना कट ऑफ जाता है। अभी कट ऑफ को लेकर के बीपीएससी का बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 75-80 से होके जाएगा, जनरल की बात कर रही हूँ मैं गर्ल्स के बारे में, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं इससे भी ज़्यादा हाई जाएगा, बट तो मेरा ये मानना है कि 70-75 से ज़्यादा नहीं जाएगी टीआरई 3 की कट ऑफ, क्योंकि सर ने भी कहा था कि टीआरई 3 की कट ऑफ टीआरई 2 से कम होगी, और जाहिर सी बात है टीआरई 3 की कट ऑफ टीआरई 2 से कम ही होगी क्योंकि उसमें सीट कम थी। देखो 91 कट ऑफ गई थी जब मैं प्राइमरी की, जब मुझे लग रहा है सीट उसमें 1,000 थी, बट इसमें सीट अच्छी खासी थी, थोड़ा सा कट ऑफ टीआरई 2 से टीआरई 3 की कम जाएगी,
देखना ये कितने बच्चों का इसमें क्या सिलेक्शन होता है और कट ऑफ रियल क्या है। अगर मेरी माने तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, 70 से 75 गर्ल्स की प्राइमरी की कट ऑफ जाएगी और 65 से 70, ऐसे बस 5 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा फर्क होगा। 65 से 70 के बीच में आपकी जूनियर की जाएगी 6 to 8 की, 9, 10, 11, 12 का मुझे पता नहीं है। और हम लोग के नंबर आपको पता ही, बीपीएससी में कितने कितने मार्क्स आए हैं आप लोगों को नहीं पता है, तो आप वीडियोस को चेक भी कर सकते हो। और आप लोगों ने अपनी सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो मुझे कमेंट में बताइएगा कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन चल रही है और कहाँ तक आप पहुँचे हो। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।